स्ट्रगल करते रहे का, आप मुझे लगता है काम करना शुरू करना आसान है, ब्रेक तो आपको कोई भी दे देता है, आपको बैठा के आपसे काम कोई भी करा लेगा, उसके बाद है टास्क। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी कुछ लकी लोगों के लिए ऐसा मुमकिन हो सकता है कि उनको काम मिल जाए कहीं से। जैसे ये आपने बात की कि टैलेंट शोज की अहमियत, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अक्सर हमें भी मैसेजेस भी आते हैं, यहाँ पे भी ऑडियंस मेंबर्स आते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ काम करना चाहते हैं, उन्हें रास्ता ही नहीं मालूम। अब देखिए ना, एक दो या तीन सीजन के बाद इस तरह के शोज डिसअपीयर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इंगेज करना, लोगों के साथ मिलके एक यूथ को फॉलो करते हुए आगे चलना बड़ा काम है। हाँ, ऐसा तो नहीं ना कि टैलेंट खत्म हो गया हमारे मुल्क, टैलेंट नहीं खत्म, और क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो कितने कितने साल आपके डेकेड्स पे आपके टैलेंट हंट्स और चलते हैं, हर तरह के सिंगर्स के एक्टर्स के, मुझे लगता है करना ही नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि यार इतनी हैसल है क्या है, बस कहीं शादी में गए, दो लड़के वहां देख लिए, दो लड़कियां वहां देख ली, फिर आ जाओ क्या कर रहे हो, एक्टिंग नहीं आती कोई बात नहीं, लाइंस तो बोल रहे तो हम एक्टर बना रहे। अच्छा, इट्स फनी, हमारे शो पे भी माशाल्लाह ऐसे बहुत सारे एक्टर्स आए, अच्छा काम कर रहे हैं, जो शादियों में डिस्कवर हुए। जी हाँ, शादी, फिर टिकटॉक आ गया, फिर इंस्टाग्राम आ गया, फिर बहुत एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजें होंगी जिससे लोगों को टैलेंट मिल जाता है, दिख जाता है। तो आई थिंक अब जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया, आई थिंक अब आपने यू नीड टू नो द राइट काइंड ऑफ शादी, आप शादी में जाएं, अच्छा अगर आपको लोग उतना मुंह लगाएं और आप किसी अच्छी सी शादी में जाएं, वहां पे आप डिस्कवर हो जाएंगे, खाना भी मिलेगा आपको। जी जी, अक्सर ऐसा होता है सेट्स पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के लड़कियां तैयार होके इसलिए आए होते हैं और आपके सामने चार पांच दफा गुजर रहे होते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, भाई नोटिस हो गया तू, मुझे ना नोटिस करा, वो डायरेक्टर वो बैठा हुआ उसको नोटिस करा। बट जहाँ पे हम टैलेंट की बात कर रहे हैं, हमारी जो आज की दूसरी मेहमान है, बल्कि मैं खड़े होके उनका इंट्रोडक्शन में करना, एहतराम में उनके, अच्छा उनकी कहानी और ज्यादा मजे की है। अच्छा, वो मुझे पता लगा कि वो ऑफ ब्रेक बॉलर थी, हाँ, और वहां से वो कब उनको ब्रेक मिली और वो सिंगर बन गई, यार ये बड़ी एक मजेदार कहानी है। इस मुल्क का है मसला, किसी को भी चांस दे दे। नहीं, वो वाकई में बड़ा जबरदस्त गाती है, अवार्ड शोज के लिए नॉमिनेट भी हुई है, बहुत जबरदस्त परफॉर्म करती हैं, आपकी भरपूर तालियों में इनवाइट करेंगे, प्लीज गिव इट अप फॉर नताशा बेग। क्या बात है, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं, कैसे हैं आप, अस्सलामुअलैकुम, कैसे, देखिए हमने माइक आपके लिए तैयार किया है, वाह वाह, ऐसा हो नहीं सकता आप हमारे शो में आए exactly. और हम शुरुआत गाने से ना करें, आ जाए जी नवीद, आए आए उस साइड पे, आप इस साइड पे, अरे वाह, हो जाए कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा, दिल करता मैं तेनू वेखी जावा, नी तेरे जे या होर दिसदा, 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 तू मेरा मैं दानी कोई, तू मेरा मैं तेरी होए, तेरे जिया मैनू दिसदानी कोई, तेरी रावा विच हो, तेरी रावा विच हो, तेरी रावा विच हो, तेरी रावा विच, तेरी रावा विच नजरा बिछावा, दिल करता मैं तैनू वेखी जावा, नी तेरे जे या होर दिसदा, नी तेरे जे या होर दिसदा, नी तेरे जे या होर दिसदा, नी तेरे जे या होर दिसदा। बात है, थैंक यू सर, थैंक यू, हमने so पूरी कोशिश की थी कि तुम्हारे गाने को बर्थडे में कन्वर्ट कर दें, तालियां हम ऐसी बजवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हां असल में मैंने थोड़ा स्लो कर दिया, मैंने बहुत शानदार, वेरी नाइस, वेरी नाइस, प्लीज आइए, माइक आप अपने पास ही रखें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज दो चार तो हो जाए, हो ही जाए, चलें, बट थैंक यू नताशा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई रियली लाइक योर शो, प्लेजर, और आपने पार्टनर भी अच्छा बुला लिया, अच्छा मजा आने वाला है, हम जिम पार्टनर्स भी हैं, वी आर जिम पार्टनर्स एंड बहुत सारे शोज हमने साथ जीते हैं, हम विनर रह चुके हैं, अरे वाह, तालियां भाई फिर तो, एक क्या जीते, दोनों की दोस्ती के लिए था,
अच्छा नताशा, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ऑफ ब्रेकर यूं ही होता है ना क्रिकेट का ज्यादा. अच्छा, आई डिडंट नो अबाउट क्रिकेट. या मेनी पीपल डोंट नो अबाउट इट. मैं ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन लोग ले आते हैं फिर उसको एक चंक रह चुका है. बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी. आप क्यों इसका जिक्र नहीं करते? इसलिए कि मतलब व्हाइल आई वाज डूइंग दीस थिंग्स, आई वाज नॉट श्योर व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ. सो आई जस्ट. बट यू प्लेड अंडर 19? या आई एंडेड अप. या आई एंडेड अप. यू डिडंट नो? नो, शी प्लेड अंडर 19. आई हैव रिप्रेजेंटेड कराची. प्रो ही तुम तो यार. तालियां भाई नताशा की यार. आई थिंक यू शुड, यू मस्ट टॉक अबाउट दिस मोर ऑफन, बिकॉज़ हमारे में और इस तरह की कहानियां इंस्पिरेशन कहां हमें देखा. एंड आई थिंक यू शुड प्ले फॉर पाकिस्तानी मेंस टीम आल्सो. आई एम श्योर यू हैव सम टैलेंट. मैं किसी को डिस नहीं करूंगी भाई. बट व्हाइल ग्रोइंग अप, व्हाट डिड यू वांट टू बी? सो आई वॉन्टेड टू बी एवरीथिंग, पर मुझे इवेंचुअली लगता है कि मुझे इंटरटेनर ही बनना था. क्योंकि मतलब बचपन में मैंने डिस्कवर नहीं किया था दैट आई कुड सिंग. अपनी आवाज़ का मुझे आइडिया नहीं था. अच्छा. तो मुझे लगता था कि शायद मैं जिस तरह मैं अपनी फैमिली में वो जो होते ना कि महफिल की जान होती थी कि बेटा जरा बोले चूड़ियाँ पे डांस तो करके दिखाना. फॉरेन जैसी म्यूजिक लगा. अच्छा, डांस करके? या आई यूज्ड टू डांस अ लॉट. ये नहीं कि गा के सुना. नहीं नहीं, मैं डांस बहुत करती थी. फिर अपने छोटे भाई को भी बहुत करवाती थी, उसको लड़की बनाती थी, खुद लड़का बनती थी. तो और उसके बाद जो है फिर मैं एक्टिंग पे भी बहुत ज़्यादा मतलब मिरर को देख के ना अजीब वो गरीब एक्सप्रेशंस बनाना. तो ये प्रॉपरली एंटरटेनर. हाँ, वो एंटरटेनर वाला सीन था मेरे अंदर शायद. तो मुझे लगता था करते करते फिर क्रिकेट, वो करते करते पता नहीं फिर देन आई असल में मेरी स्पोर्ट्स टीचर ने मुझे स्पोर्ट्स में ज़बरदस्ती धकेल दिया कि भाई तुम हुंजा की लड़की हो, तुम्हारे अंदर तो ताकत है, तुम्हें खेलना चाहिए. देन या कि मतलब वो वाली होता ना कि हमारी बिल्ड ऐसी है. सो आई स्टार्टेड प्लेइंग ऑब्वियसली मतलब बाकियों के हिसाब से आई वॉज गुड. तो उस तरह होते होते बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले, तो क्रिकेट ऑल्सो वॉज वन ऑफ देम. आई वेंट टू द ट्रायल्स एंड I ended up playing under 17 and under 19. Mashallah. So yeah. But one would assume कि ये तो सही जा रही है आपकी trajectory as a cricketer. फिर singing कैसे आई बीच में? बस figuring out and stuff. So things that I was doing, I was okay. I was not outstanding. मतलब ठीक, बस सही है, खेल रही है, ठीक है, ये वाला scene था. लेकिन I think music मेरी life का वो part है जिसमें मुझे हुआ कि I was made for this.